यहाँ पे हो चुकी है सुबह। ये देखिए सुबह की चाय पी रही हूँ, चाय के साथ है बटर। और आज मुझे दो तीन काम बाहर के हैं, जिसमें एक है उमर की मेडिसिन लेना है। तो चलिए चलेंगे, तो आपको भी साथ में लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो यहाँ पे मैं नकाब पहन के रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ, थोड़ा काम है बाहर। तो चलिए आपको साथ में लेके चलते हैं, जो भी डेली की रूटीन होगी आपके साथ में शेयर करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं मेडिकल स्टोर के पास। ये देखिए मैं पर्चा निकाल के दे रही थी मेडिसिन लेने के लिए, और यहाँ पे आए तो दवा मिली भी नहीं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ विशाल मेगा मार्ट। अली के लिए जो है पार्ले बिस्किट लेना था, अली कई दिन से कह रहे थे पार्ले बिस्किट लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं पार्ले बिस्किट ले रही थी। तो यहाँ पे चार पैकेट मैंने पार्ले बिस्किट लिया है। तो चलिए अब बिलिंग करा लेते हैं। ये देखिए बिलिंग में लाइन देखिए, विशाल मेगा मार्ट में यही रहता है, सबसे ज़्यादा लाइन बिलिंग में ही आती है। तो खैर यहाँ पे बिलिंग करानी है तो चलिए करा लेते हैं। यहाँ देखिए ये देखिए बिलिंग करा के मैं बाहर आ गई हूँ। तो यहाँ पे उमर की मेडिसिन लेके वापस हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे बाहर आज काफ़ी हवा चल रही थी, बहुत ठंड थी, तो यहाँ चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, एक अच्छी सी चाय बना के पी जाए। और आज मैं गुड़ वाली चाय बना रही हूँ, तो गुड़ वाली चाय पीनी थी। तो चलिए चाय बना लेते हैं, इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे ये देखिए उमर जो है संतरे वाली टॉफ़ी लेके आए हैं, दिए हैं। ये टॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, आप लोगों ने खाई होगी ज़रूर, बहुत ही अच्छी कैंडी होती है ये। और यहाँ पे ये देखिए हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं खाने की प्रिपरेशन करेंगे। चाय पीने के बाद मैं जो है चिकन को मैरिनेट करने लगी थी। ये देखिए चिकन, इसको मैंने डाल दिया है, चिकन में मैंने डाला है सारे मसाले, उसके बाद उसको मैंने मैरिनेट किया है अच्छे से, खूब अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद, फिर उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। और आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पुलाव, कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, वही मैं खाना बना रही थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं कि हाँ चिकन टिक्का पुलाव मैंने खाने में बनाया था। तो यहाँ पे ये देखिए मैरिनेशन चालू था, ये देखिए यहाँ पे मैरिनेट हो गया है, और इसको रख के इसके बाद फिर मैंने चावल उबालने के लिए सारे मसाले पानी में डाल दिए हैं, और फिर चावल उबाल ली थी मैं। तो यहाँ पे पीछे से पैरेट हमारा आवाज़ लगा रहा है, आप लोगों को आवाज़ सुनाई देती होगी अक्सर करके मेरी वीडियो में, पैरेट आवाज़ लगाता रहता है, हाँ वो बोलता रहता है। तो यहाँ पे मैं तेल डाल रही थी, तेल डालने के बाद फिर मैंने एक चम्मच क्या स्वाद अनुसार इसमें मैंने नमक डाल दिया था, फिर उसके बाद ढक्कन लगा के इसको ढक के रख देंगे। और जब पानी राइस उबल गया था तो फिर उसके बाद मैंने चिकन टिक्का के लिए, ये देखिए चिकन टिक्का के लिए मैंने पैन रख के उसमें चिकन टिक्का उबल रही थी। ये देखिए यहाँ पे सारे चिकन टिक्का को पैन में रख देंगे अच्छे से, और चिकन टिक्का होगा तो मैं यहाँ पे उसे स्मोक दे रही थी। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अनियन फ्राई कर रही थी। फिर इसके बाद कोई रेसिपी नहीं थी, कोई वीडियो नहीं शूट हो पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। और यहाँ पे जैसे तैसे करके हमारा चिकन टिक्का पुलाव जो है रेडी हो चुका है,
ये देखिए तो काफ़ी लेट हो गया था, 10:30 बज गए थे बनाते बनाते, उसमें लाइट भी चली गई थी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।